अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, मैं आप सबको बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तमाम तंजीमों का जिन्होंने शिरकत की, तमाम बच्चियों का, स्काउट्स का, पासवानों का। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आप वो लोग हैं, कहते हैं ना कि एक भी ईमान वाला होगा तो कयामत नहीं आएगी। आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान को जिंदा रखे हुए। क्योंकि मैं अभी ज़ियारत गई थी और वहां पे कायदे आजम ने अपने बिस्तर के साथ अपनी उनकी रेजिडेंसी में मैं गई तो उन्होंने मुझे उनका कमरा खोल के दिखाया। तो वहां पे एक उनके हाथ से लिखी हुई डच प्रोवर्ब थी, उन्होंने अपने हाथ से लिखी अपने साथ रखी हुई थी हमेशा की याद दहानी के लिए। उसमें पता है क्या लिखा था? अगर गैरत चली जाती है तो इंसान का जमीर मिट जाता है, और अगर जमीर मिट गया तो सब कुछ मिट गया। शुरू इस तरह से होती है कि अगर दौलत गई तो कुछ नहीं गया, अगर हिम्मत गई तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन अगर गैरत चली गई तो जमीर गया, और जमीर गया तो सब कुछ चला गया। और अगर जमीर को वापस ले लिया, अगर आपने गैरत को वापस ले लिया, गैरत आ गई तो हिम्मत भी आती है, हिम्मत आती है तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती। हम आज रिवर्स गियर में गड़े में गिर रहे हैं, कर्जों में मकरूज है। क्यों? क्योंकि हमने आफिया की सूरत में अपनी गैरत को नीलाम कर दिया है। और आप चंद वो लोग हैं जो पाकिस्तान को अभी भी अफ्लोट रखे हुए हैं। पाकिस्तान है तो हमारे और आपकी वजह से है, अहले जिंदान से है, जिंदान की आजादी, और वो आजादी आप जैसे अजीम और शान लोगों के लिए है। और मैं सलाम पेश करती हूँ आपको। मेरे पास अल्फाज नहीं आपको शुक्रिया अदा करने के लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मैं आपको दे सकूं आपके इस पसीने के एवज, आपके इस वक्त के एवज। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकती हूँ और बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी दुआ है कि मेरा वो रब्बुल इज्जत जिसके खजानों में कोई कमी नहीं, मेरे अल्फाज में कमी है, और वो अपनी शान के मिताबे आपके ऊपर वो खजाने, वो रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा इंशाअल्लाह। कि अल्लाह वो कयामत में भी आपसे राजी होगा और दुनिया में आप उससे राजी होंगे, ये मेरी दुआ है। और मुझे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह अपनी अमान में, हिफ्ज़ अमान में रखेगा, पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।